की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे हम फेसबुक पर सेल करके अपने बिजनेस को इनक्रीज कर सकते हैं। दोस्तों, आज के टाइम में बहुत सारे जो सेलर होलसेलर हैं वो फेसबुक पे अपने बिजनेस को प्रमोट करके बहुत ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं। और फेसबुक पेज एक ऐसा माध्यम है दोस्तों जिस पे आप जो पब्लिक एंगेजमेंट है उसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं बहुत ही कम टाइम में। तो सबसे पहले हम जो फेसबुक का पेज है वो बनाना सीखेंगे और बाद में हम आपको बताएंगे कैसे उस पे एंगेजमेंट आती है और क्या बेनिफिट होते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करें, जिसे हमारा होम ओपन था, सी एल पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे पेज पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों पेज का नाम देना है। पेज का नाम दोस्तों हमें इस टाइप से देना है कि जो पब्लिक एंगेजमेंट है वो बहुत ही जल्दी ग्रो करे हमारे जो पेज को। तो सपोज करो आप कोई भी एक्स वाई जेड प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो उसमें फर्स्ट नेम अपना सेलर का नेम रखना है। जैसे मैं डाल देता हूँ, अपना नाम ही डाल देता हूँ। और सेकंड उसमें दोस्तों देना है आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड। सपोज करो आप बेडशीट सेल कर रहे हो या कवर सेल कर रहे हो। अब मैं कवर सेल करता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने सुरेश अंडरस्कोर कवर ये मैंने पेज का नाम दे दिया। आपको भी इसी तरह से पेज का नाम देना है दोस्तों। अब यहाँ पे ये मेरे को अप्रूवल भी मिल गया है इसका। देखिए, कई बार होता है दोस्तों अगर सेम पेज किसी और ने बनाया होगा तो उस नाम से आप नहीं बना सकते। तो जो अपना पेज का नाम है वो यूनिक होना चाहिए। सेकंड में क्या है, हमें अपने प्रोडक्ट की कैटेगरी यहाँ पे मेंशन करनी है। अब मैं होम डेकोर आइटम सेल कर रहा हूँ तो मैंने सर्च की और वो सिलेक्ट कर दी। उसके बाद में दोस्तों हमें यहाँ पे बायो मतलब अपने प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा डिस्क्राइब करना है कि कौन सा प्रोडक्ट है आपका और इसे क्या यूज़ में आ सकता है और कहाँ कहाँ पे ये सेल होता है। तो उस टाइप से हम यहाँ पे अपने जो प्रोडक्ट का पूरा डिस्क्राइब करेंगे प्रॉपरली उसको। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वी डील इन होम फर्निशिंग आइटम एक्सेट्रा। इसको आप जितना भी डिस्क्राइब करके लिखेंगे दोस्तों उतना ही बेटर रहेगा। उसके बाद आपको क्रिएट पेज पे क्लिक करना है। क्रिएट पेज पे क्लिक करने के बाद देखिए ये प्रोसेसिंग हो रही है जो मैं न्यू पेज बना रहा हूँ उसके लिए। यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट का नाम डालना है। वेबसाइट का नाम आपको एज ए डेमो आपको डाल के दिखा देता हूँ। और उसके बाद आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालना है दोस्तों। तो अभी इसने ये एक्सेप्ट कर लिया है। उसके बाद आपको जो है अपनी मेल आई डी डालनी है। यहाँ पे मेल आई डी मैं आपको डाल के दिखा देता हूँ। और उसके बाद आपको अपनी लोकेशन डालनी है, यहाँ पे पिन कोड के साथ डालना दोस्तों। और अगर कोई नियरेस्ट है लोकेशन लैंडमार्क तो वो भी यहाँ पे मेंशन कर देना है। उसके बाद अपना सिटी डालना है। यहाँ पे सिटी मैंने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद पिन कोड के बाद देखिए दोस्तों ये क्या मांग रहा है, नो आर्स अवेलेबल ऑलवेज ओपन, कि ये पूछ रहा है यहाँ पे कि आपकी शॉप का टाइमिंग क्या रहेगा। जब आपकी शॉप ऑनलाइन है तो उसको आप ऑलवेज ओपन कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको नाइट में ऑर्डर रिसीव हो गया तो आप नेक्स्ट डे उसको प्रोसेस भी कर सकते हैं दोस्तों। मैं यहाँ पे ऑलवेज कर देता हूँ। अगर आप ऑलवेज करेंगे 24 आवर्स तो उससे जो है कस्टमर ट्रैफिक है वो और ज़्यादा इंक्रीज होगा दोस्तों। इसके बाद मैंने नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे मांग रहा है ये प्रोफाइल पिक्चर और एड कवर फोटो। जो प्रोफाइल पिक्चर होती है और एड कवर,
ये बहुत ही ध्यान से आपको बनानी है। मैं आपको बताता हूँ कैसे बनेगी। सबसे पहले आप canva.com ओपन कर लीजिए। देखिए मैंने दूसरी टैब में आपको canva.com यहाँ पे ओपन करके दिखाई है, और इसमें सर्च कर लीजिए फेसबुक पेज। फेसबुक कवर आ गया। देखिए फेसबुक कवर पे गए, यहाँ पे हम कोई भी अच्छी सी यहाँ पे फोटोज़ देख के उसमें एडिटिंग करके अपना कवर पेज यहाँ पे बना सकते हैं। दोस्तों मैंने जो पेज थीम था इसका, इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हम इसमें कुछ भी मॉडिफाई कर सकते हैं। आपके ब्रांड का जो लोगो है उसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप हो जाएगा यहाँ से। और इसमें अगर कुछ भी आप एडिटिंग करना चाहें, आपको लग रहा है एडिटिंग करनी है, तो आप एडिटिंग कर सकते हैं। कवर यहाँ पे हम अपनी जो वेबसाइट है वो डाल देंगे दोस्तों, और उसके बाद कंपनी नेम चेंज कर लेंगे। कंपनी का आपका जो लोगो है वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे, और देन इसको शेयर पे जाके डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, ये डाउनलोड हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं अपने फेसबुक पेज पे गया दोस्तों। अभी मैंने आपकी जानकारी के लिए दूसरा फोटो यहाँ पे अपलोड कर दिया है, ये देखिए यहाँ पे मेरा बैनर भी अपलोड हो गया है, और जो मेरी फ़ोटोज़ थी यहाँ पे प्रोफाइल फ़ोटो वो भी अपलोड हो गई है। प्रोफाइल फ़ोटो भी दोस्तों आपको एक अच्छी सी बनानी है, और जो ये canva.com है, canva.com में जो आपका लोगो है और मेन प्रोफाइल फ़ोटो है वो भी एडिट करके बन जाएगी दोस्तों ईजिली। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। दिखा रहा है अगर आप व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर देना चाहते हो अपने पेज पर दोस्तों, जो अगर आप व्हाट्सएप यहाँ पे मेंशन करोगे व्हाट्सएप नंबर, तो उससे भी जो ट्रैफिक है वो इंक्रीज होने की पॉसिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। इससे आपके पेज पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आएगा, और जो आपकी बिजनेस वेबसाइट है उसको भी ग्रो होने में, उस पर भी ट्रैफिक आएगा आपके फेसबुक पेज से। तो यहाँ पर आप अपना व्हाट्सएप नंबर भी मेंशन कर सकते हैं, तो मेरे को अभी ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको स्किप कर देता हूँ। मैं एज ए आपको डेमो के रूप में ये आपको बता रहा हूँ, लेकिन आप जो है यहाँ पे अपना व्हाट्सएप नंबर ज़रूर डाल दीजिएगा। उसके बाद आपको दोस्तों यहाँ पे ऑडियंस आपको इनवाइट करनी है। जितना ज़्यादा क्राउड ऑडियंस आपके पेज पे आएगी, उतना ज़्यादा आपको विजिबिलिटी मिलेगी, और जो आपकी बिजनेस वेबसाइट है उस पर भी ट्रैफिक आएगा फेसबुक पेज के थ्रू। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे इनवाइट कर लेंगे हम मैक्सिमम से मैक्सिमम जितने भी मेंबर हो सकते हैं, आप उनको रिक्वेस्ट भेजिए, इनवाइट कीजिए, ठीक है। और उसके बाद हम नेक्स्ट कर देंगे। पेज नोटिफिकेशन ऑन योर प्रोफाइल, इसको ऑन रखना है। जैसे जब भी आप अपना फेसबुक लॉगिन करोगे, अगर किसी भी कस्टमर ने या कोई भी आपके पेज पर आना चाह रहा है, आपसे कुछ इंक्वायरी लेना चाह रहा है, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा यहाँ पे, जो ये बेल आइकन नोटिफिकेशन है यहाँ पे, और ये मार्केटिंग प्रमोशन के लिए है, इसको भी आप एनेबल कर देना। अगर कोई मार्केटिंग या प्रमोशन के लिए आपके पास नोटिफिकेशन आता है, तो वो भी यहाँ पे आपको दिख जाएगा दोस्तों। डन, मैंने डन कर दिया। अभी ये सारी प्रोसेस करके जो मेरा फेसबुक पेज था वो पूरी तरह से बन गया है। ये सारी डिटेल आपको शो कर देगा दोस्तों। ये देखिए आपका पेज जो है वो बन के पूरी तरह से रेडी हो गया है। इसमें अब आपको क्या करना है डेली बेसिस पे, फर्स्ट तो दोस्तों डेली बेसिस पे आपको पोस्ट यहाँ पे शेयर करना है। डेली आप अगर पोस्ट डालोगे तो उससे दोस्तों ट्रैफिक और ज़्यादा बढ़ेगा। पोस्ट दोस्तों
जो भी आप प्रोडक्ट में डील कर रहे हो, अगर आप वीडियो बनाने का आपका प्रोफेशन है या कोई प्रोडक्ट सेल करने का है, तो वो डिटेल आपको डेली के डेली बेसिस यहाँ पे डालनी है। जितनी ज़्यादा पोस्ट डालोगे उतना ज़्यादा आपका बिजनेस ग्रो होगा। और अगर आप ई कॉमर्स साइट पे सेल कर रहे हैं, अदर ई कॉमर्स पे या व्हाट्सएप पे सेल कर रहे हैं, तो फेसबुक से वहाँ का भी ट्रैफिक आपका इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि आपका कोई मेन प्रोडक्ट है और उसको इनिशिएट आपको प्रमोट करना है, तो उसके लिए आप जो इनका एड सेंटर है इसकी भी हेल्प ले सकते हो। एड सेंटर में जाके अगर आपको कोई भी पोस्ट को प्रमोट करना है तो उसको आप प्रमोट भी कर सकते हो। यहाँ पे क्रिएट एड, जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे हम ऐड लगाते हैं, तो यहाँ पे भी हम ऐड के द्वारा अपने जो प्रोडक्ट है उसकी विजिबिलिटी बढ़ा सकते हैं। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा इससे, और अपने फेसबुक पेज को जो है अपने फ्रेंड्स में और जो मेन मेन ग्रुप होते हैं, जो आपके कैटेगरी से रिलेटेड ग्रुप हैं, उनमें भी अपने पेज को प्रमोट करना है दोस्तों। इससे भी ज़्यादा ट्रैफिक की पॉसिबिलिटी रहती हैं। देखिए सी आल ग्रुप, आल ग्रुप में जाके मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ होम डेकोर, अपनी ही दोस्तों अपनी ही कैटेगरी से रिलेटेड आपको जो ग्रुप हैं वो सर्च करने हैं। अब यहाँ पे देखिए ये होम डेकोर ग्रुप है, इसमें 1.5K मेंबर हैं, 1.6 मिलियन मेंबर हैं। तो ऐसे ग्रुप को आप ज्वाइन कीजिए, ऐसे ग्रुप को आप ज्वाइन करोगे दोस्तों, ज्वाइन करने के बाद जो आपकी पोस्ट है अपनी पोस्ट को आप इन ग्रुप में भी शेयर कर सकते हो, उससे भी जो ट्रैफिक है वो बहुत जल्दी बढ़ेगा और आपके जो वेबसाइट पे और जो ई कॉमर्स वेबसाइट है या जो अदर सोशल वेबसाइट पे आपका बिजनेस है उस पर भी दोस्तों ट्रैफिक आएगा फेसबुक से। तो इस तरह आपको अपने बिजनेस को रेगुलर टाइम देना है। इस अगर फेसबुक पे अगर आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो तो आपको रेगुलर टाइम देना पड़ेगा दोस्तों, और ऐड कैंपेन रन करना पड़ेगा। इससे आपका जो बिजनेस है वो बहुत जल्दी इंक्रीज़ हो जाएगा और बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको मिलेगा दोस्तों। इससे बहुत ही रीच मिलेगी आपके प्रोडक्ट को, और जो सेल है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी। और जो दोस्तों इसमें क्या होगा, जो बीच का पॉइंट ई कॉमर्स में होता है, जैसे फ्लिपकार्ट अमेजोन, वो आपसे कमीशन लेते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों डायरेक्ट कस्टमर आपके पास आएगा, बीच का कमीशन भी नहीं होगा और डायरेक्ट जो प्रॉफिट है वो आपको मिलेगा, ना कि किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट को। तो इस प्रकार अपने बिजनेस को आप बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हैं, और जो कस्टमर है उसको जो मटेरियल है वो बहुत ही कम प्राइस पे मिलेगा, क्योंकि बीच का कमीशन ख़त्म हो जाएगा और आपकी जो सेल है वो बहुत जल्दी इंक्रीज होगी दोस्तों। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।